मुजफ्फरपुर कॉल सेंटर स्कैंडल एक ऐसा कांड जिसमें दरिंदों ने कई लड़कियों को अपना हवस का शिकार बनाया है, उसके साथ जोड़ जबरदस्ती की है। शर्मनाक करतूत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 लड़कियों को प्रताड़ित किया गया है। नौकरी के नाम पर दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी। यहां लड़कियों को बेल्ट से मारना हो, उस पर थप्पड़ की बौछार करना हो, ये खबरें दिल दहला रही है। सुनेंगे तो शर्म आ जाएगी, नजरें मिलाने लायक नहीं बच पाएंगे। मासूम बच्चियों के आबरू से सरेआम खिलवाड़ किया गया है। आज आपको एक ऐसा घिनौना सच बताएंगे जिससे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक गंदे खेल का पर्दाफाश करेंगे। आज हम आपको सिर्फ खबर देने नहीं बल्कि सच से सामना कराने आए हैं। आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर की लड़कियों के लिए ये खबर जरूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मुजफ्फरपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण का मामला डरावना है। इसमें खुल्ला से और भी डरावने हैं, लेकिन इस खबर के ट्विस्ट और टर्न ने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के नोएडा और गोरखपुर तक तार जोड़ दिए हैं। हाँ, खबर का खुलासा करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हर वो खबर पहुंचे जिस पर फिलहाल कोई बात नहीं होती, चाहे कोई बात करना नहीं चाहते। मुद्दा आपका होगा, जानकारी हमारी होगी। वीडियो के अंत में अपना कमेंट में जरूर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। बहरहाल, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड आप भूले नहीं होंगे। 14 जुलाई 2017 में जब छपरा में बालिका अल्पावास गृह में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, पूरे देश में हड़कंप मच गया। अब ऐसा ही एक और मामला मुजफ्फरपुर से ही आ रहा है, जहां एक स्कैंडल पर खुलासा हुआ, जिसमें आरोप है कि यहां DBR नाम की फर्जी मार्केटिंग कंपनी ने सोशल मीडिया पर नौकरी दिए जाने का दावा कर लड़कियों को अपना शिकार बनाया। इसमें लड़कियों को फेसबुक के जरिए नौकरी देने और अच्छे पैसे मिलने की बात कही जाती थी। आरोप के मुताबिक ज्वाइन करने के बाद लड़कियों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जाता था, उनका उत्पीड़न किया गया। लड़की अगर विरोध करती थी तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। एक पीड़ित लड़की ने इस पूरे स्कैंडल पर सच्चाई सबके सामने रखी और बताया कि उसे छपरा से मुजफ्फरपुर बुलाकर फ्रॉड कॉल सेंटर के लिए ट्रेनिंग दी गई, जहां उसे एक ऑफिस में भी बिठाया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसका यौन शोषण भी करता था और प्रेग्नेंट होने पर उसका गर्भपात करा देता था। इसे सुनने के बाद हर तरफ हंगामा मच गया है। दावे अनुसार इसमें 100 से ज्यादा लड़कियों के होने की बात की जा रही है, जिनके साथ जालसाजी की गई है। मामले पर मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाने में 5 से 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया। जांच हुई और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक छापेमारी चली और मुख्य आरोपी तिलक सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। यही नहीं, इस डरावने स्कैंडल में नोएडा तक SIT के जांच की आंच आ गई है। अब तिलक सिंह के चंगुल में फंसने के बाद आशंका है कि कई बड़े खुलासे होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी पर पहले भी कई बड़े आरोप लग चुके हैं, जबकि छापेमारी भी हुई है। बहरहाल, ये मामला 2 साल पहले का है। DBR कंपनी है जो लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर गलत काम करवाती थी, जहां FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे पूछती हूँ, आप इस शर्मनाक खबर को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट खुला है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, देखते रहे HCN न्यूज। धन्यवाद।